जी बताइए, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल। जी सर। ओके ओके ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? काफी अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, तो देखते हैं। चलिए 1 मिनट। जी, क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वुड बी द इथिकल इश्यूज इन अ रिसर्च स्टडी डेट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट। आपसे क्या पूछा गया है कि अगर आप अपनी रिसर्च के अंदर किसी को पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, तो फॉलोइंग में से आपको बताना है कौन से इथिकल इश्यूज जो है हो सकते हैं, यानी अखलाकी मसाइल जो है आपके रिसर्च में कौन से आ सकते हैं। लैक ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म, एक्सेसिव इंड्यूसमेंट या डीब्रीफिंग, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इथिकल इश्यूज आ सकती है, यानी अखलाकी मसाइल जिसको हम बोलते हैं। अब रिसर्च इथिक्स अगर आपको मालूम है तो आप बता सकते हो कि रिसर्च इथिक्स हमें क्या बताती है। हमें यही बताती है कि रिसर्च के अंदर हमें क्या करना चाहिए और रिसर्च के अंदर हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो आप लोग जी सर, बताएंगे इसका आंसर। ABCD, ABC, हाँ, देखिए इसका ABCD, जो सही ABC। आंसर होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। देखिए, लैक ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब ये है कि यानी हमें जिस भी बंदे को पार्टिसिपेट बनाना है, हमें उसकी रजामंदी चाहिए। ठीक, लैक नहीं चाहिए, अगर वो कमी है तो हमें उसको नहीं लेना। अगर यानी उसको हम जबरदस्ती या मजबूरी के तौर पे ले भी नहीं सकते, या इसी तरीके से उस बंदे को हमें हार्म भी नहीं करना है, चाहे दिमागी एतबार से टेंशन देकर या फिर उसको मार पीट कर किसी भी शक्ल से जो है पार्टिसिपेट करने के लिए हमें उसको हार्म नहीं करना है, या फिर हमें उससे हद से ज्यादा उसको हमें रगबत नहीं दिलानी है, यानी बहुत ज्यादा हमें उसको लालच नहीं दिलानी है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना है कि भाई लो इतना पैसा ले लो, कम से कम तुम मेरा ये काम कर दो या फिर तुम मेरे रिसर्च में ये पार्टिसिपेशन दे दो। जो भी है वो आपके अपने एतबार से होगा। ठीक, डीब्रीफिंग का मतलब क्या होता है कि मालूमात के लिए आप किसी चीज की तफ्तीश कर रहे हो, इंट्रोगेट कर रहे हो, तो ये तो एक सही चीज है, ये आपका इथिकल इश्यूज जो है नहीं होगा। बाकी 3 चीज जो है वो आपके इश्यूज में आएंगे, यानी कहीं ना कहीं जो है ये आपका अखलाकी रवैया नहीं है, आप गलत काम कर रहे हो अगर ऐसा आप अपने रिसर्च में ले रहे हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है 2। स्टेटमेंट 1 है, इन अ रेशियो स्केल 0 पॉइंट इज आर्बिट्रेरी। क्या रेशियो स्केल में जो है 0 पॉइंट जो होता है आर्बिट्रेरी होता है, यानी 0 का कुछ मतलब जो है यहाँ पर लिया जाता है, 0 का कुछ माना जो है लिया जाता है। स्टेटमेंट 2 में ये कहा गया है, द नॉमिनल स्केल अलाउज ऑर्डरिंग यानी रैंकिंग ऑफ डेटा। क्या नॉमिनल स्केल में जो है आप डेटा को रैंक देते हो या ऑर्डर देते हो, ये क्या है? सर पहला दोनों गलत गलत है, है दोस्तों सही सर, बहुत आर रॉन्ग, सर दोनों बोथ आर रॉन्ग हो जाएगा गलत सर। हाँ, देखिए ये दोनों जो है रॉन्ग हो है। जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो स्किल में जो है 0 का मतलब होता है बिल्कुल ट्रू 0। ठीक है, हाँ, यानी जिसको हम बोलते हैं 0, ये हमारा इंटरवल स्केल जो होता है उसका, उसमें 0 का मतलब आर्बिट्रेरी होता है, यानी 0 की कुछ मीनिंग ली जाती है। जैसे जब दुकान पे हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें 0 साइज का कपड़ा दिखाइए, तो वो 0 साइज से मुराद एक साइज मुराद है, ऐसा नहीं कि 0 से बिल्कुल शून्य या 0 मुराद है। ठीक, तो बाकी नॉमिनल स्केल में जो है हम डेटा की रैंकिंग या फिर ऑर्डरिंग जो है नहीं करते, बल्कि हम डेटा को क्या करते हैं यहाँ पर, कैटेगरी करते हैं सर, हाँ, यहाँ पर कैटेगरी। हम डेटा की जो है कैटेगरी करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 3। इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च द वेरिएबल आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड द एनवायरमेंट इज एज कंट्रोल एज पॉसिबल। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च अलाउ यू टू इलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी एक्सट्रेनियस फैक्टर। क्या ये काम जो है, यानी स्टेटमेंट 1 आपसे ये कहा गया है कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में जो है वेरिएबल को एक्टिवली मैनिपुलेट किया जाता है और इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है जितना हमें मुमकिन होता है, यानी पॉसिबल तौर पे हम उस मैनिपुलेशन को कंट्रोल भी करते हैं। क्या ऐसा काम आप ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में करते हो? सेकंड में ये कहा गया है कि बहुत सारे जो एक्सट्रानियस फैक्टर होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे जो बाहरी फैक्टर हमारी रिसर्च को खराब करते हैं, तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में उस चीज को हम इलिमिनेट करते हैं, यानी उसको हम बाहर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये काम हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में करते हैं दोनों स्टेटमेंट नहीं में? सर, नहीं नहीं, सर, जब दोनों एक्सपेरिमेंटल में गलत करते हैं है, सर, हम एक्सपेरिमेंटल दोनों फॉल्स हो जाएगा सर। पार्ट बनेंगे हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों काम जो है हम किसमें करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर सर। करते हैं, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल होता, इसकी डिफिनेशन जो है बिल्कुल सही है ना, तो ऑप्शन नंबर बोथ आर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च ये वही रिसर्च होती है जहां पर हम डेटा ऑब्जर्वेशन के मुताबिक लेते हैं। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन सर,
क्वेश्चन नंबर है फोर, व्हेन स्टडीज ऑन अ गिवन टॉपिक लीड टू द सिमिलर कंक्लूजन। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को बनाने का कीवर्ड जो आपको समझ में आए, अगर आपने वैलिडिटी की टाइप्स पढ़ रखी होगी, मतलब आपको पढ़ाया गया अगर आपको याद हो तो इसमें जो है इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। सिमिलर कंक्लूजन द मेजरमेंट शो, जब एक दिए गए टॉपिक पर स्टडी की जाती है जिसकी वजह से सिमिलर कंक्लूजन निकलता है, तो वो कौन सी वैलिडिटी होती है? कन्वर्जेंट, क्राइटेरियन, डाइवर्जेंट या कंस्ट्रक्ट। अगर सारी वैलिडिटी के फ्यूचर मालूम है तब भी आप मतलब पढ़ पढ़ के या उसको इलिमिनेट करके निकाल सकते हो आप इसका आंसर क्या है। कन्वर्जेंट हाँ देखिए यहाँ पर जो है सिमिलर बोला गया ना, इसी के अपोजिट में अगर बोल दिया जाए डिफरेंट, ठीक है, या अपोजिट कंक्लूजन बोला जाए तो वो आपका डाइवर्जेंट हो जाता है। कन्वर्जेंट जो है आपका सिमिलर। हमने कन्वर्जेंट की डिफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जब दो टेस्ट होते हैं दोनों आपस में फैक्ट में एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक टॉपिक बोला गया है तो टॉपिक से मुराद आपका वही टेस्ट होगा, और उन दोनों टेस्टों में जो भी हम रिलेशन देखते हैं वो फैक्ट में दोनों का कंक्लूजन जो है सिमिलर निकलता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने आपको दो टेस्ट की एग्जाम्पल यही दी थी कि जैसे सेब खाने से जो है बदन में फुर्ती आती है, एक टेस्ट की एग्जाम्पल ये थी, और दूसरा मैंने ये बोला था कि सेब खाने से जो है आपका खून जो है साफ होता है या आपके बदन में जो है खून बनता है। तो दोनों जो है दोनों टेस्ट अगर देखे जाए ये बात जो है एक तरीके से मतलब सेब खाने से ये आपकी एक टॉपिक हो गई है, बट दोनों टेस्ट जो है फैक्ट में रिलेट करते हैं, यानी हकीकत में अगर देखा जाए तो सेब खाने से जो है फुर्ती भी आती है, खून भी बनता है, ठीक है। तो सिमिलर कंक्लूजन आपको देते हैं, ये हो गया कन्वर्जन। क्राइटेरियन, जहां पर कुछ क्राइटेरिया बनी होती है उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको अपना काम करना होता है। कंस्ट्रक्ट, वैलिडिटी आपकी वही होती है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं कि हम एक घर बनवाने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले एक नक्शा बनाना पड़ता है, ठीक, फिर उसी नक्शे के मुताबिक जो हम अपना घर बनाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम अपना रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में पहले हम एक रिसर्च डिजाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसी रिसर्च डिजाइन के मुताबिक हम क्या करते हैं अपनी रिसर्च करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम इसी चीज को चेक करना चाहते हैं, क्या जो हम रिसर्च में बनाना चाह रहे हैं वो हमारा उस चीज के मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर है फाइव, अरेंज द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू। तो यानी आपको लोवेस्ट से बताना है हाईएस्ट तक, तो इसका क्या है, जैसे हमने आपको बोला था ना नारी शक्ति, नारी शक्ति बोलते हैं, तो आप नारी इस तरीके से याद रख सकते हो। तो ये क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी सर, ऑप्शन बी। हाँ तो ये हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले आता है नॉमिनल, फिर आता है ऑर्डिनल, फिर आता है इस तरीके से इंजर्वर, फिर उसके बाद आता है आपका रेशियो स्केल, ठीक। क्वेश्चन नंबर है सिक्स, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन अ रिसर्च प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। तो रिसर्च प्रोसेस को जो है आपको क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में जो है लगाना है वो आपको बताना है, ठीक। ऑप्शन डी सर, डी बी ए सी सी ऑप्शन डी सर, डी, ऑप्शन डी सर। डी बी ए सी। हाँ तो इसमें जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। फिर बी में क्या है, लिटरेचर रिव्यू करते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर डेटा का कलेक्शन होगा। फिर ई में हम डेटा की रिपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम ये करते हैं ना, और लास्ट में जो है हम रिसर्च आउटकम देते हैं यानी रिपोर्टिंग करते हैं। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर है सेवन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलाउ यू टू इलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी एक्सट्रेनियस फैक्टर इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वेरिएबल आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड इन्वायरमेंट इज एज कंट्रोल एज पॉसिबल। तो क्या ये ऑप्शन दोनों ये सर, सही? वो सही है सर, वो यस। सर ट्रू। हाँ देखिए उसी चीज को वहां पर लिख दिया गया था ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक्सट्रेनियस फैक्टर जैसे हम पढ़ते हैं ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक। इसका मैनिपुलेशन हम यानी इस पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम इफेक्ट देखते हैं, और अगर इसी इफेक्ट पे कोई बाहर की चीज आकर क्या करती है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को खराब करती है, तो जो बाहर से चीज आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलते हैं। उसी को हमें कंट्रोल करना होता है। अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कंट्रोल कर पाते हैं फिर वो वेरिएबल हमारा क्या बन जाता है, कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाता है। कंफाउंडिंग हाँ ठीक जी है, सर, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर है एट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के एक तरीके से आपको फ्यूचर बताने हैं। इट इज द लिबरली यूज स्टैटिकल टेस्ट, इट इज अ नरेटिव, इट इज अ लेबोरेटरी ओरिएंटेड, इट इज इंटरप्रेटिव, इट फोकस ऑन कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग। तो बी किस, डी बी डी
हाँ, तो ये जी नरेटिव डी होती है सर, क्योंकि नरेटिव जी रिसर्च भी इसी का पार्ट होता है, इंटरप्रेटिव होगी, और यहाँ पर जैसे इथनोग्राफी रिसर्च भी हम इसी के अंदर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 9। द पर्पज ऑफ अ ब्लाइंड स्टडी इज टू प्रिवेंट द पार्टिसिपेशन फ्रॉम फिगरिंग आउट व्हाट एक्सपेरिमेंटल वांट, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटर होगा यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटल है। देखिए कह रहे हैं कि ब्लाइंड स्टडी का पर्पज ये है कि वो पार्टिसिपेशन को बात जानने से वो रोकता है कि एक्सपेरिमेंटल क्या चाहता है, यानी एक्सपेरिमेंटर, मान लीजिए मैं एक एक्सपेरिमेंटर हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो है बहुत सारे पार्टिसिपेंट भी हैं, और हम ब्लाइंड स्टडी कर रहे हैं, यानी ऐसी स्टडी जो अंधी होती है, ठीक। तो ब्लाइंड स्टडी का मतलब यही हो गया कि जो एक्सपेरिमेंटर होगा, जो मेन होगा, वो ये चाहेगा कि मैं अपने रिसर्च के अंदर कौन से ग्रुप को कंट्रोल कर रहा हूँ, या कौन से मतलब वेरिएबल को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, कौन सी चीजों को मैं चेंज कर रहा हूँ, या किसको मैं कंट्रोल करके रखना चाह रहा हूँ, मेरे पार्टिसिपेंट जो मेरे पीछे हैं वो इस बात को ना जान सके। जैसे होता है ना कि बहुत सारे काम किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सारे लोग काम करते हैं बॉस के साथ मिलके, बट बॉस की जो है मीटिंग किसके साथ होती है, किससे लेन देन होता है, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर जो है वो नहीं जानते। वो सिर्फ ब्लाइंड वाला मामला किसके दरमियान रहेगा, बॉस का जिसके साथ हुआ है। तो इसी तरीके से वही कह रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंटर होगा वो ये ना जानेगा, वो यही चाहेगा कि मेरे पीछे या फिर मेरे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो मेरी इस बात को ना जाने कि मैं इस रिसर्च में जो है किस ग्रुप को मैं कंट्रोल करके रख रहा हूँ, या किसको मैं चेंज कर रहा हूँ, किसको मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, या किसको मैं नहीं कर रहा हूँ। जो भी मैं करूंगा अपने एतबार से, मैं चाहूंगा मेरे साथी उस चीज को ना जाने, बस सिर्फ वो मेरे पीछे से काम करते रहे जो मैं उनको हुक्म दे रहा हूँ। ब्लाइंड स्टडी का मतलब यही होता है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा गया कि इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटर एंड द पार्टिसिपेंट इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन सोशल साइंस रिसर्च। कह रहे कि एक्सपेरिमेंटर और पार्टिसिपेशन के दरमियान जो भी बातचीत होती है वो हमेशा बेनिफिशियल होती है, यानी हमेशा फायदेमंद मानी जाएगी सोशल साइंस रिसर्च में। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है? पहला सही हो जाएगा, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा सर, क्योंकि ऑलवेज बेनिफिशियल नहीं होती है, पहला सही समटाइम्स दूसरा गलत है बेनिफिशियल हो हाँ, सकती देखिए ऑलवेज बेनिफिशियल नहीं होती, क्योंकि अगर हम पार्टिसिपेंट को अपनी बात बता देंगे, क्या पता वो उस चीज पे राजी ना हो, जिस ग्रुप को हम चेंज करना चाह रहे हैं अगर पार्टिसिपेंट राजी नहीं होंगे उस चीज पे, तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो बेनिफिशियल जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, पहला जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड, यही इसका कीवर्ड है, बियॉन्ड द एक्सटर्नल स्पेसिफिक रिसर्च कॉन्टेस्ट रिलेटेड टू, तो ये कौन सी वैलिडिटी होगी अगर वैलिडिटी हो जाएगी सर हमारी, क्योंकि ये हाँ, जनरलाइज की बात कर रहा है तो एक्सटर्नल। यहाँ पर क्या है कि स्टडी के रिजल्ट को हम जनरलाइज करते हैं तो वो हो जाती है एक्सटर्नल वैलिडिटी, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर एक दिया ना, इकोलॉजिकल वैलिडिटी इज ऑफन यूज टू रिफर द जजमेंट व्हाट आर गिवेन स्टडीज वेरिएबल एंड कंक्लूजन आर सफिशियंटली रिलेवेंट टू इट्स पॉपुलेशन। तो ये जो मान लीजिए अगर ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और इस पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी हमने वेरिएबल लेकर स्टडी किया, या इस पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी हमने कंक्लूजन निकाल रखा है, उसी कंक्लूजन या वेरिएबल को चेक करने के लिए, या उसी कंक्लूजन वेरिएबल पे फैसला या जजमेंट देने के लिए हम इकोलॉजिकल वैलिडिटी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक नई टाइप्स जो है इसमें इंक्लूड की गई है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे सिंपल सा याद रखिए। सर ये चलिए इंटरनल वैलिडिटी बता दीजिए एक बार। इंटरनल वैलिडिटी जो है जहां पर हम कॉज एंड इफेक्ट को चेक करते हैं, ठीक है। ओके सर, जी हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर है 11। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप पर्टेनिंग टू द क्वांटिटेटिव रिसर्च इन ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पर क्वालिटेटिव दिया हो या क्वांटिटेटिव दिया हो, अब रिसर्च के स्टेप पूछे गए हैं, तो अब आप इसके मुताबिक निकाल सकते हो यहाँ पे क्या स्टेप होने चाहिए शुरू से लेकर। पहले आप किसको लोगे, मतलब यहां से अगर कुछ स्टेप जो है हजब किया गया है शुरू की तरतीब से, तो उसके बाद से जो है सर आपको लगाना, पहले पहले बी को लिया जाएगा, हाइपोथेसिस इसको को। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, पूरा सर क्वेश्चन क्या होगा। बी एक सेकंड, पहले हम हाइपोथेसिस लेंगे, फिर हम रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, फिर डाटा सर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा ना, क्योंकि बी यहाँ पर आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम जो है यहाँ से नहीं दिया गया है, तो हम पहले हाइपोथेसिस को ले लेंगे, फिर उसके बाद रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, फिर प्रोसेसिंग डेटा मतलब वही डेटा का कलेक्शन चलेगा यहाँ पे, फिर डेटा का एनालिसिस एनालाइज, होगा, फिर उसके बाद फाइंडिंग ठीक करेंगे यानी रिपोर्ट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड द सिंपल इज आल्सो नोन एज द एक्सीडेंटल सैंपल एंड हजार्ड सैंपल। तो कौन से सैंपलिंग मेथड को जो है हम इस नाम से जानते हैं, एक्सीडेंटल सिंपल एंड हजार्ड सिंपल से? कन्वीनियंस सैंपलिंग। हाँ, तो कन्वीनियंस सैंपलिंग को जो है इसको हम जानते हैं एक्सीडेंटल सैंपलिंग, हजार्ड सैंपलिंग से कन्वीनियंस सैंपलिंग को जानते हैं, और परपोजिव सैंपलिंग को हम किस नाम से जानते हैं? जजमेंटल सैंपलिंग सर, हाँ, तो हमारा ये है मतलब कि जजमेंटल सैंपलिंग। ठीक, बिल्कुल सही है। तो देखिए, कन्वीनियंस कन्वीनियंस सैंपलिंग है। सैंपल को हम जो आज नया नाम इसका चल रहा है तो जंक सैंपलिंग इसको बोलते हैं। जंक सैंपलिंग। यस सर, जंक जंक CH अच्छा, सी है। जंक ओके सर। ओके, चलिए ठीक है। तो ये भी एक नई मालूमात है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं। तो कन्वीनियंस सैंपलिंग में वही होता है कि रिसर्चर जो है अपनी एक्सेसिबिलिटी यानी अपनी आसानी को देखते हुए क्या कर लेता है, वो डेटा का सिलेक्शन कर लेता है, और वो उन सैंपल में जो है कैरेक्टरिस्टिक को भी नहीं देखता। यानी जो सैंपल का वो सिलेक्शन करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि मैं जितने भी बंदों को चूज कर रहा हूँ स्टडी करने के लिए, क्या ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड मुझे डेटा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो कन्वीनियंस हम बोलते हैं यानी अपनी आसानी को देखते हुए, अपनी अकॉर्डिंगली, यानी इस एतबार से। जैसे मान लीजिए, मुझे अगर इराक से रिलेटेड डेटा लेना है, ठीक है, तो मैं बजाय पूरे इंडिया में घूमने के बजाय, तो मैं क्या करूंगा, मेरे यहाँ आजमगढ़ से रिलेटेड जो है लखनऊ है, तो मैं जाऊंगा लखनऊ में ही 4-5 लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं अपने नजदीक वाले को देखकर मैंने सिलेक्ट कर लिया। और मैंने जिन 4-5 बंदों को सिलेक्ट किया है, मैंने उनके अंदर ये नहीं देखा कि ये मुझे इराक से रिलेटेड डेटा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ठीक है, परपोजिव सैंपलिंग, जहां पर हम डेटा का सिलेक्शन करते हैं, उन डेटा में कैरेक्टरिस्टिक को देख कर सिलेक्ट करते हैं, यानी एक पर्पस हमारा होता है। जैसे अगर हमें इराक से रिलेटेड डेटा चाहिए, तो हम उन्हीं बंदों को चूज करते हैं परपोजिव सैंपलिंग में, जो हमें इराक से रिलेटेड डेटा दे सकते हैं, यानी उनके अंदर कुछ हो खसूसियत। लेकिन कन्वीनियंस में ऐसा नहीं होता, रिसर्चर आंख बंद करके जाता है, 4-5 मतलब जिसको भी वो अपने एतबार से लेना चाहता है ले लेता है, और वो उन डेटा में कैरेक्टरिस्टिक को मतलब नहीं चेक करता है। तो ये दोनों के अंदर फर्क है, इस तरीके से क्वेश्चन आते भी हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है, पॉपुलेशन बाइज्ड, रैंडम सिलेक्ट, रैंडम रैंडम सिलेक्शन सिलेक्शन। रैंडम सर। हाँ, तो ये रैंडम सिलेक्शन होता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 14, आइडेंटिफाई द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी जो है, मैंने आपको बताया था कि ये किसका एक ब्रांच है, स्टेटिकल की जो है एक ब्रांच जो है ना, यानी स्टेटिक्स की, जो कि कॉमर्स वगैरह के अंदर ये पढ़ाई जाती है, और ये क्या पता उन्हीं लोगों की शिफ्ट का ये क्वेश्चन हो, बट आप में ये रिसर्च में अक्सर बेशतर पूछ लेते हैं, और ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होता है। तो ये तीन तरीके के होते हैं ना, और इसको निकालने के लिए जो है फॉर्मूले वगैरह जो है यूज किए जाते हैं। तो बस सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और आया भी है। ठीक है, ABD सर, एबीडी ABD हाँ, तो यहाँ पर होता है मीन, मीडियन, मोड। हाँ, मीन, मीडियन एंड मोड होते हैं, ए जी बी सर। एंड डी, तो ये होते हैं, तो बस आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, द रेफरेंस सेक्शन ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल इन रिटन इन एपीए स्टाइल, अरेंज द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू अ रेफरेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अगर आप एक रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो, वो भी एपीए स्टाइल में लिख रहे हो, तो आप क्या मतलब रेफरेंस देने का आपका तरीका क्या होगा, उसको आपको अरेंज करके बताना है करेक्ट ऑर्डर में। डी आप सर सर डी सी भी डी या सी सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। सी होगा सर, देखिए, यहां पर जो है सबसे नहीं पहले सर, नहीं, नेम आपका नेम ऑफ ऑथर होगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन जी नंबर सर, डी ही होगा। देखिए, नेम डी ऑफ ऑथर होगा। होगा, फिर उसके बाद हम ईयर ऑफ पब्लिकेशन ईयर देते ऑफ हैं, पब्लिकेशन हो फिर जाएगा हम यहाँ पर टाइटल ऑफ आर्टिकल देंगे, फिर उसके बाद पेज नंबर देंगे। ठीक, जी सर। तो देखिए इस जी तरीके जी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 16, कंटेंट एनालिसिस इज एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट। कह रहे हैं कंटेंट एनालिसिस जो एक अप्रोच है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं, ताकि उसको क्वालिटेटिव लिहाज से जो है उसको एनालाइज कर सके। क्या कंटेंट एनालिसिस में आप डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट दोनों का एनालिसिस करते हो? कंटेंट एनालिसिस इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड, यानी कंटेंट एनालिसिस जो है बहुत वाजे, साफो शफाफ जो है रिसर्च का एक तरीका है। यानी इसमें जैसे होता है ना कि जो टेक्स्ट आपको समझ में नहीं आया, उसका अगर हम एनालिसिस कर लेते हैं, तो वो चीज बहुत वाजे हो जाती है। तो इसमें क्या गलत है, क्या सही है? पहला गलत, दूसरा सही। सिर्फ पहला गलत, हाँ, पहला क्योंकि गलत यहाँ पर जो है सर। डॉक्यूमेंट का एनालिसिस नहीं होता है, सिर्फ टेक्स्ट का टेक्स्ट एनालिसिस। सर हाँ नहीं सर, होता जी, है डॉक्यूमेंट्स का भी एनालिसिस होता है, बट ये गलत इस वजह से हमारा हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ क्वालिटेटिव में नहीं, इसको हम बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव में यूज करते हैं। नहीं, दोनों में हम करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट का हम किस लिहाज से करेंगे इसमें, कंटेंट एनालिसिस में?
डॉक्यूमेंट से मुराद यहाँ पे क्या आप ले रहे हैं? डॉक्यूमेंट से ये डॉक्यूमेंट्स में भी तो कंटेंट ही होता है, उसमें कुछ और कुछ लिखा होता है क्या? नहीं, डॉक्यूमेंट में बहुत सारे दस्तावेज भी तो आ जाते हैं आपके, मार्कशीट वगैरह और भी दीगर सारी चीजें आ सकती हैं सिर्फ सर ऐसे। हाँ सर मार्कशीट आ जाते हैं सर, मार्कशीट पे भी तो कंटेंट ही होता है ना, वो थोड़ी ना कुछ और होती है सर। नहीं मुझे ऐसा लग देखिए, रहा है, बाकी नहीं मुझे पता, नहीं मेरी आई नहीं मैं रॉन्ग हाँ हो नहीं सकती हूँ। नहीं नहीं हाँ ये देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट से मुराद वही है, मार्कशीट वगैरह आपके दस्तावेज या फिर पीडीएफ वगैरह जो होती हैं। इसमें रिसर्च के इस्तेमाल में अगर आप कंटेंट एनालिसिस का मतलब क्या है, जैसे अब ये एक लाइन जो आपकी लिखी हुई है ना, लाइन बाय लाइन जिसका हम एनालिसिस करेंगे कंटेंट में, ठीक है, तो वो आपको समझ में नहीं आया, आपको बता दिया जाए तो वो चीज आपकी वाजे हो जाएगी, जिसको हम टेक्स्ट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो है नहीं होता है, ठीक है, और कंटेंट जो है वो आपका जनरली अगर देखा जाए 99% जो है हम इसका हमेशा क्वालिटेटिव लिहाज से जो है, या क्वालिटेटिव रिसर्च में ही कंटेंट का एनालिसिस होता है। क्वानिटेटिव में जो आपका होता है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस वहां पे हम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर ठीक बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि वो न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा वहां पे होता है, तो ठीक ये इस वजह ठीक से गलत है क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट यहाँ से इलिमिनेट करना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 17, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प द रिसर्चर विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज हर फाइंडिंग, है ना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो रिसर्चर की हेल्प करता है उसके फाइंडिंग को वाजे करने में, यानी उसके रिसर्च की जो भी टॉपिक, फाइंडिंग्स मुराद रिसर्च टॉपिक आप ले सकते हो, उसको वाजे करने में या उसके इंटरप्रिटेशन करने में। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज नॉट ऑफ एनी हेल्प इन लर्निंग डिफरेंट थियोरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोच टू योर रिसर्च एरिया। कह रहे हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है कोई भी हेल्प नहीं करता आपकी रिसर्च एरिया, मतलब आपकी जो रिसर्च एरिया है, आपकी जो रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड, मतलब मेथोडोलॉजिकल अप्रोच एंड थ्योरेटिकल डिफरेंट को सीखने में जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है कोई भी हेल्प नहीं करता। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो, ठीक है, तो आपको जो है मेथोडोलॉजी या थ्योरेटिकल अप्रोच के बारे में, उन दोनों के डिफरेंस को सीखने में जो है कुछ भी मदद आपको नहीं मिलती है आपके रिसर्च एरिया से रिलेटेड या आपकी टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें क्या लगता है आप लोगों को? गलत दोनों है गलत सर, सर, दोनों दूसरा गलत हो जाएगा, पहला नहीं, दूसरा गलत हो जाए, सही, पहला पहला सही है, ठीक है। सही हो कि जाएगा सर। इसमें देखिए, इस वजह से गलत है क्योंकि जो भी आपके रिसर्च टॉपिक है ना, आपकी रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जो है चीजें वाजे हो जाएगी, इंटरप्रिटेशन हो जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने से, कि आपकी एरिया में जो है, मतलब जो भी टॉपिक से रिलेटेड आप रिसर्च कर रहे हो, अगर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि क्या रिसर्च हुई है या किस पहलू पे रिसर्च हुई, किस नाहिये से रिसर्च की गई है। और अगर रिसर्च हुई भी होती है तो आप उन रिसर्च को उठाकर ये भी देखते हो कि ये रिसर्च जो है कौन से मेथड से की गई है या किस तरीके से लिखी गई है ना, तो ये सारी चीजें जो है होती है जब आप लोग रिसर्च करोगे, वक्तन फोक्तन इन सारी चीजों की जरूरत जो है पड़ती है, जैसे हमें भी पढ़ रही है, हमें भी एक दो रिसर्च हमारी टॉपिक से रिलेटेड मिल रही है, तो यही तो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो उन रिसर्च को उठाकर हम भी देख रहे हैं कुछ, हम मतलब क्या हम इसमें से कुछ डेटा जो है अपने रिसर्च में ले सकते हैं या उठा सकते हैं, कुछ इस तरीके की चीजें सारे रिसर्चर करते हैं आसानी को देखते हुए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 18, ऑनलाइन सर्वे आर वेरी यूजफुल बिकॉज इंटरनेट यूजर ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट अनबायस्ड सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर एक वर्ड है ऑलवेज प्लस दिया है अनबायस्ड, कह रहे हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन सर्वे जो है वो यूजफुल तो है क्योंकि इंटरनेट यूजर जो है वो हमेशा पॉपुलेशन के बारे में अनबायस्ड सैंपल ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी आपको ऐसा सैंपल देंगे हमेशा जो बिल्कुल अनबायस्ड हो, यानी बिल्कुल भी गलत ना हो। फिर ऐसे में सेकंड में कहा गया कि अ कन्वीनियंस सैंपल इज वन डेट इज सिंपली अवेलेबल टू रिसर्चर बाय वर्च ऑफ एक्सेसिबिलिटी। कन्वीनियंस सैंपल जो है सैंपल की एक टाइप है जो कि रिसर्चर को आसानी के साथ अवेलेबल होता है, यानी रिसर्चर जो है अपनी एक्सेसिबिलिटी, अपनी सहूलत, अपनी आसानी को देखते हुए वो क्या करता है सैंपल का सिलेक्शन कर लेता है। तो इसमें क्या सही है क्या गलत फिर पहला है? गलत सर आंसर पहला सही है, गलत, दूसरा डी सही सर, रहेगा, हाँ डी ऑप्शन। तो यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा क्योंकि हमेशा जो है जो सैंपल आपको मिलेगा ना ऑनलाइन सर्वे में, वो सारे जो है हमेशा अनबायस्ड नहीं होते बल्कि बायस्ड भी होते हैं। आप अभी देखोगे टेलीग्राम वगैरह पे बहुत सारे जो है रिसर्च वगैरह के चैनल बने हुए हैं ना, तो उसमें मैं अक्सर देखता रहता हूँ कॉमर्स वगैरह के, मैनेजमेंट वगैरह के बच्चे और भी दीगर सारे बच्चे, तो वो ऑनलाइन सर्वे करते हैं, तो वो लिखेंगे कि आई एम प्रियांशु, मैं इस यूनिवर्सिटी का हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का हूँ, मुझे इस तरीके का डेटा चाहिए, मैं ऑनलाइन सर्वे कर रहा हूँ। तो आप ऑनलाइन सर्वे कर रहे हो, आप कुछ भी लिख कर दे सकते हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सच ही लिख रहे हो, लिखने वाले बहुत कुछ लिख देते हैं इस तरीके की चीजों को, तो वो बायस्ड भी हो सकता है, यानी गलती भी हो सकती है इस तरीके के सैंपल में।
क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेरिएबल वुड हैव अ ट्रू जीरो पॉइंट, है ना? तो ट्रू जीरो पॉइंट किस में होता है? रेशियो में, रेशियो में। हाँ तो ये हो जाएगा रेशियो। साइंटिफिक रिसर्च इज डेटा ड्रिवन, रिप्लीकेबल, वेरीफाइबल या सब्जेक्टिव, क्या होती है? सब्जेक्टिव एबीसी सर, सब्जेक्ट को काटेंगे तो आंसर आ जाएगा नहीं होगा सर, सर। एबीसी। हाँ एबीसी देखिए, जो है हमारी रिसर्च जो है ना, डेटा जो है वो आप सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, यानी कोई भी ऐसा डेटा हम आपको दे रहे हैं तो आप उस डेटा के बारे में बोल सकते हो कि ये डेटा या फिर ये खबर जो है बिल्कुल तस्दीक शुदा है, यानी बिल्कुल सब्जेक्टिव, इसमें कुछ भी जो है झूठ की आमेजिश नहीं है, है ना? तो इसमें सब्जेक्टिव हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। बाकी साइंटिफिक रिसर्च जो है वो हमारी वेरीफाइबल होगी, रिप्लीकेबल होगी, डेटा यानी डेटा पर मबनी होती है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 21, अमोंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक विच वन इज आल्सो नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग, तो इसमें से किसका नाम जो है जजमेंटल सैम्पलिंग है? ये सारे इसी सर बार के डी, क्वेश्चन है। परपजिव हाँ तो अभी परपजिव पढ़ा। सैम्पलिंग का जो है जजमेंटल सैम्पलिंग है। क्वेश्चन नंबर है 22, अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म, सिमिलैरिटी ऑफ 42% रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ प्लेगरिज्म, अगर 42% तक की सिमिलैरिटी आपके थीसिस में मिलती है तो कौन सा प्लेगरिज्म का कौन सा लेवल होगा? ये 0, 1, 2 एंड 3, चार लेवल है ना, चार लेवल जो है वो जीरो से ओ शुमार किए जाएंगे, ठीक है, एक से नहीं शुमार किए जाएंगे। लेवल 2, सर लेवल तीसरा टू लेवल टू टू होगा सर। हाँ ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए लेवल 0 जो है ये 10% तक वाली है और ये माफ है ना, फिर ये जो है हाँ सर, आपका 10 से लेकर 40% चालीस परसेंट तक है और ये 40 से लेकर 60% तक है और ये 60 के अबव है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सर, है एक सेकेंड 20, हाँ सर, एक सेकेंड जी सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 23, सर्वे कंडक्ट ओवर द इंटरनेट हैव विटनेस्ड अ ह्यूज ग्रोथ सिंस द लेट 1990, है ना? कह रहे हैं कि मतलब इंटरनेट पे ये सर्वे की गई है जिसमें ये मुशाहिदा किया गया है कि 1990 के बाद से जो है मतलब ह्यूज ग्रोथ हुई है, यानी काफी जो है तरीके से तरक्की हुई है, असर्शन भी ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं इंटरनेट यूजर ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट अनबायस्ड सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, पहला सही, पहला सही है, दूसरा दूसरा गलत गलत है, है, दूसरा पढ़ गलत। लिया हमने ये हाँ गलत। तो यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा क्योंकि ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, अगर एक गलत हो जाएगा तो लामोहाला जो है पहला सही, मतलब एक सही ही होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर है 24, अ डायरेक्ट सर थॉमस एक सेकंड सर, ये है ना कि ऑलवेज जो होता है अनबायस्ड, और ये सर अगर हम ऑलवेज तो बायस भी नहीं हो सकता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, तो यह मतलब यही है ना, मतलब ऑलवेज जो है अनबायस्ड बोला, यानी हमेशा जो है वो सही ही होता है, ठीक है, हमेशा गलत भी नहीं होगा, ठीक है, जी सर, यानी कुछ सही होगा कुछ गलत होगा, ये बात है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 24, अ डायरेक्ट थॉमस वेरिएबल इज वन विच हैव मोर देन टू कैटेगरी, कह रहे हैं डायरेक्ट थॉमस वेरिएबल है, कह रहे हैं कि जिसमें दो से ज्यादा कैटेगरी होती है, अ नॉमिनल वेरिएबल कैन हैव मोर देन टू कैटेगरीज, नॉमिनल वेरिएबल में जो है दो से ज्यादा कैटेगरीज होती हैं, और डायरेक्ट थॉमस में बोल रहे हैं कि मतलब इसमें भी दो से ज्यादा होती है और इसमें भी बोल रहे हैं कि नॉमिनल में भी जो है दो से ज्यादा कैटेगरी हो सकती है, तो क्या सही है? सर पहला गलत है, सर दूसरा प्रांस सही है। पहले में सिर्फ दो ही होती है और नॉमिनल में बहुत सारी हो सकती है, हाँ देखिए डायरेक्ट थॉमस जो है मोर देन टू जिसको नहीं। इसमें हम बोल सकते हैं कि बाइनरी इसको बोलते हैं ना, डायरेक्ट थॉमस को कभी कभी बाइनरी भी बोलते हैं, जैसे बाइनरी में दो ही नंबर होते हैं 0 या 1, यानी दो ही जीरो कैटेगरी होती है, तो या तो ये वाला या तो ये वाला, या तो आप जिंदा रहो या तो मर जाओ, या तो आप मेल हो या तो जी फीमेल हो, तीसरा आप ट्रांसजेंडर नहीं बोल सकते इसमें, ठीक है, सर, तो इसमें ये हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट थॉमस जो है ये आप देख सकते हो यहाँ पर डिफिनेशन लिखी, जेंडर मेल या फीमेल, ये भी इसकी वैल्यू जो होती है डिस्क्रीट होती है, डिस्क्रीट का मतलब क्या है, जहां पर हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन या मैथमेटिकल वाला फॉर्मूला जो है नहीं यूज कर सकते, जैसे नॉमिनल एंड ऑर्डिनल जो है, ठीक है, ये भी हमारे क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, हम कैलकुलेशन मेन किस में करते हैं, इंटरवल में एंड रेशियो में करते हैं, तो सर उसकी वैल्यू जो होती है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है, यहाँ पर डिस्क्रीट है, ठीक है, यानी जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है नहीं यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 25, अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म, कॉमन नॉलेज या कॉन्साइडेंटल टर्म,
अप टू हाउ मेनी कंसेक्यूटिव वर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड वाइल चेकिंग सिमिलैरिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ प्लेगरिज्म। कॉमन नॉलेज या कंसिडेंटल टर्म पर जो यूजीसी रेगुलेशन है प्लेगरिज्म का, उसमें कितने कंसेक्यूटिव वर्ड को जो है एक्सक्लूड किया गया है प्लेगरिज्म को चेक करते वक्त, यानी कितने कंसेक्यूटिव वर्ड पाए जाएंगे तो वो प्लेगरिज्म नहीं माना जाएगा। ये है ना? 8 से नहीं, फोर्टीन है, 14 है, फोर्टीन 14, ठीक है, ओके 14। अब देखिए ये ओके टेक्निकल टर्म है, ठीक है, तो इसका आप क्या करोगे, तो आपको याद रखना है कंसेक्यूटिव वर्ड जो है 14 अगर होंगे तो वो निकाल दिए जाएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर है 26। व्हेन रिसर्चर स्टडी अ स्पेसिफिक वेल डिफाइंड पॉपुलेशन ओवर टाइम सैंपलिंग डिफरेंट पीपल एट ईच डेटा कलेक्शन पॉइंट इट रिफर टू आर, करेक्ट, जब रिसर्चर जो है एक मखसूस डिफाइंड पॉपुलेशन की स्टडी करता है पूरे टाइम, ओवर टाइम से मतलब मेनी टाइम है ना, यानी लंबे टाइम से, ठीक, या लंबे टाइम तक, और हर डेटा कलेक्शन पॉइंट पे जो है वो डिफरेंट सैंपल का, डिफरेंट लोगों का क्या कर रहा है, सैंपल कलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर कीवर्ड है स्पेसिफिक वेल डिफाइंड पॉपुलेशन ओवर टाइम है ना, यानी एक मखसूस पॉपुलेशन की क्या कर रहा है, मखसूस पॉपुलेशन की वो स्टडी कर रहा है लंबे टाइम तक, और हर डेटा कलेक्शन पॉइंट पे वो क्या करता है, डिफरेंट लोगों का सैंपल कलेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सी स्टडी वो कर रहा है, कोहोर्ट, क्रॉस स्टडी, सेक्शनल हाँ देखिए कोहोर्ट कर रहा, क्रॉस सेक्शनल में हमारे ये लॉन्गिट्यूडिनल की ही एक टाइप्स है ना, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च की। और जी क्रॉस सर सेक्शनल में क्या होता है कि जब हम एक टाइम पे क्या करते हैं, डिफरेंट सैंपल की या डिफरेंट वेरिएबल की स्टडी करते हैं, तो पैनल स्टडी या फिर रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, ये भी इसी का पार्ट है। देखिए देखिए सर कोहोर्ट स्टडी, जी सर वो इससे पहला वाला एक बार दिखा दीजिए सर, वो स्क्रीनशॉट। ये सर नया लग रहा है, इसको नहीं पढ़ रहा है। नहीं, ये क्वेश्चन नए हैं, लेकिन ये थ्योरी जो है मैंने पढ़ाया है आप लोगों को प्लेगियरिज्म के बारे में रिसर्च में, जी, ठीक है सर। ठीक है, रिसर्च के चैप्टर में है प्लेगियरिज्म की सारी चीजें पढ़ाई गई है। दी कोहोर्ट स्टडीज आर अ टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, ठीक, तो कोहोर्ट मतलब होता है मींस अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक। कोहोर्ट स्टडीज कैन बी फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग, तो यानी कोहोर्ट जो है दो तरीके की होती है, एक प्रोस्पेक्टिव होती है जिसको हम फॉरवर्ड लुकिंग यानी एक ये फ्यूचर से रिलेट करती है, और बैकवर्ड लुकिंग जो पास्ट से रिलेट करती है जिसको हम रिट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। अ फॉरवर्ड लुकिंग कोहोर्ट स्टडीज इज ऑल्सो नोन एज द प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी, अ बैकवर्ड लुकिंग कोहोर्ट स्टडीज इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडीज, मीन्स दैट इज रिलेट टू द पास्ट। देखिए इसमें आप ये समझो कि पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए जब आप किसी फ्यूचर के लिए स्टडी कर रहे हो, जैसे हम फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं, सिंपल सी बात है, तो आप अभी से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपने 2024 का साल जो है खास कर लिया है, और आपने किसी भी एक पॉपुलेशन को खास कर लिया, और उसी पॉपुलेशन पे आप अपना एक तरीके से फ्यूचर की ऑब्जर्वेशन दे रहे हो या फ्यूचर के बारे में सोच सोच के आप स्टडी कर रहे हो। और पास्ट का मतलब क्या, जैसे पास्ट में हम रिसर्च करते हैं ना, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे रिसर्चे होती हैं, लोग दहाई को खास कर लेते हैं, दो मतलब 19वीं सेंचुरी के अंदर जो भी उलमा आवाम थे उस पर स्टडी कर रहे हैं, या 19वीं सेंचुरी के जो शोरा थे सिर्फ उसी पे स्टडी कर रहे हैं। तो रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब जहां पर पास्ट ओरिएंटेड डेटा होता है, पास्ट का डेटा लेकर जो है हम क्या करते हैं, यानी पास्ट के डेटा से मुराद जैसे हमने शोरा जो है ये हमारी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है, तो उसी 19वीं सेंचुरी के मतलब शोरा को ही हमने खास कर लिया है, और उसी पे हम क्या कर रहे हैं अपनी ऑब्जर्वेशन जो है दे रहे हैं, यानी पास्ट का डेटा लेकर हम लंबे टाइम से जो है स्टडी कर रहे हैं, ठीक। टू कैरी आउट प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी साइंटिस्ट आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ पीपल टू स्टडी एंड प्लान द रिसर्च इन एडवांस कलेक्टिंग डेटा ओवर द टाइम, है ना, तो जहां पर हम लोगों का एक ग्रुप जो है आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर हम एक स्टडी करते हैं, प्लान बनाते हैं एडवांस में, यानी फ्यूचर के लिए हम करते हैं, जैसे हम फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं कि फ्यूचर में हमें ये करना है, चलो अभी से हम सेविंग करके रखते हैं, तो उसी तरीके से प्रोस्पेक्टिव में यही होता है, हमारा जो गोल होगा उसको, या फिर हमारा जो सिंपल होगा, जो पॉपुलेशन होगा वो हमारा स्पेसिफिक हो जाएगा, और उसी गोल से रिलेटेड जो है हम फ्यूचर के लिए प्लान करते जाएंगे। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, साइंटिस्ट यूज डेटा, डेटा आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि पास्ट का डेटा जो है हमारे पास अवेलेबल होता है, बस उसको हमें खास करना होता है, और उस खास करके फिर हम उसी पे जो है अपनी लंबी रिसर्च जो है करते रहते हैं। ट्रेंड स्टडी जो है ये भी लॉन्गिट्यूडनल का एक पार्ट है, इसमें भी जो है हम क्या करते हैं,
गेदर डेटा फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन कैरेक्टराइज बाई अ स्पेसिफिक वेरिएबल सच एज अ एजुकेशनल लेवल। देखिए यहाँ पर जो है ना, हम एक मतलब पॉपुलेशन को जो है यहाँ पर भी हम खास करते हैं, बट यहाँ पर जब हम खास करेंगे पॉपुलेशन को तो हमारा सिर्फ एक स्पेसिफिक फ्यूचर होगा। यानी वो फ्यूचर क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हमने इस पॉपुलेशन को खास किया स्टडी करने के लिए, ठीक, तो हमारा सिर्फ इस पॉपुलेशन से एक ही फ्यूचर होगा, जैसे एजुकेशन लेवल के बारे में हमें करना है, या फिर इस तरीके से हम देखेंगे इनकी ग्रोथ के बारे में क्या होगा, ठीक है, या इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनके अंदर लिटरेसी एंड इलिटरेसी जो है कितना है। तो सिर्फ ट्रेंड में क्या होगा, जो एक ट्रेंड फॉलो होता है, जैसे बोलते हैं ना यूट्यूब वगैरह भी काफी ट्रेंड जो है फॉलो होते रहे, मतलब किसी की मशहूरियत हो गई, किसी का कुछ हो गया, तो वो ट्रेंड जो है चलता रहता है, ठीक। तो ट्रेंड स्टडी में वही होता है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक वेरिएबल पे जो है हम काम करेंगे, पॉपुलेशन जो है यहाँ पर भी जो है हम खास कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसका थोड़ा सा डिफरेंस जो है प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर याद रख लीजिए, और रिट्रोस्पेक्टिव री है ना, तो री से मुराद आप पास्ट याद रख लीजिए, ठीक है, यानी जिसको हम दोहरा रहे हैं। तो ये भी आपका कोहोर्ट में आएगा, यानी लॉन्गिट्यूडनल का ही एक पार्ट बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 27। अ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नेवर बी डायक्टोमस। कह रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है कभी भी जो है दो से ज्यादा जो है नहीं हो सकते, है ना, मतलब कभी भी जो है दो नहीं हो सकते, आप ये बोल सकते हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमेशा डायक्टोमस होते हैं, यानी हमेशा जो है दो होते हैं। तो क्या सही है? दोनों गलत है सर, सर दोनों गलत हो जाएगा, हाँ, ये दोनों गलत दोनों गलत है। हो जाएगा, क्योंकि जो है हमारे इंडिपेंडेंट भी दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। डिपेंडेंट भी जो है दो हो सकता है, दो से ज्यादा हो सकता है, और एक भी हो सकता है ना, तो जरूरी नहीं है। तो क्योंकि जब हमने हाइपोथेसिस पढ़ा था, तो हाइपोथेसिस में जो हमने टाइप्स पढ़ी थी, तो वहां पर इस चीज को हमने आपको बताया था। जैसे अगर आप दो चीज खा रहे हो ना, मान लीजिए एक आप सेब खा रहे हो, एक आप अनार खा रहे हो, तो ये आपका दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और इन दोनों की वजह से आप में क्या इफेक्ट दिख रहा है, अनार की वजह से आपके बदन में खून बढ़ रहा है, सेब की वजह से आपके चेहरे पर जो है निखार आ रही, रंगत आ रही है ना। तो क्या है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों का इफेक्ट आपके चेहरे पे जो है दिख रहा है, ठीक। तो दोनों हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। इन नहीं, कोहोर्ट फर्स्ट जी वाला बता दीजिए सर, फर्स्ट स्टेटमेंट अनडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नेवर बी डायक्टोमस। कह रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है कभी भी डायक्टोमस नहीं हो सकता। डायक्टोमस वेरिएबल मतलब डायक्टोमस एक तरीके का वेरिएबल होता है, जो कहता है कि जिसमें सिर्फ दो कैटेगरी बनेगी। तो ये कह रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है कभी दो कैटेगरी वाला नहीं हो सकता, ठीक है, जबकि हो सकता है, ठीक ठीक चलिए कोहोर्ट स्टडी सिंपल आर ड्रॉ फ्रॉम अ जनरली डिफाइंड पॉपुलेशन ओवर टाइम। यहाँ पर जनरली एक वर्ड यूज किया गया है ना, तो कह रहे हैं कि कोहोर्ट स्टडी में सिंपल जो है वो जनरली डिफाइंड पॉपुलेशन से यूज किया, मतलब लिया जाता है। फिर कह रहे हैं ट्रेंड स्टडी में सिंपल आर ड्रॉ फ्रॉम स्पेसिफिक वेल डिफाइंड पॉपुलेशन। तो इसमें क्या सही होगा, क्या गलत होगा? दोनों अपोजिट है, गलत दोनों, है। दोनों गल अपोजिट में हाँ लिखी है। ट्रेंड में हाँ जनरल होता है, कोहोर्ट में स्पेशल होता है। हाँ तो ये आपका बिल्कुल दोनों अपोजिट वे में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है दोनों फॉल्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 29। सर एक सेकंड सर, अभी हमने ट्रेंड में तो स्पेसिफिक ही कहा ना क्या यहाँ पर सर। सिंपल बोला गया है ना, पॉपुलेशन की बात ओके वहां सर, पे, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर है सर। क्लास ट्वेंटी रिकॉर्डिंग नहीं करनी है क्यों रिकॉर्डिंग नहीं मिलती आप लोगों को? इस क्लास की, रिकॉर्डिंग नहीं करनी है सर। हो तो मैं तो कर तो रहा हूँ रिकॉर्डिंग, हो तो रही है, चलिए भाई साहब, हो रही है, अपलोड हो जाएगी। चलिए अ सिमिलैरिटी ऑफ 57% इज डिटेक्टेड इन द थीसिस सबमिटेड बाय अ स्टूडेंट एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म। द स्टूडेंट हैज कमिटेड प्लेगरिज्म ऑफ लेवल। अगर 57% तक जो है सिमिलैरिटी पाएगी आपके थीसिस में, तो कौन सा लेवल होगा? टू होगा सर, लेवल 2 सर, लेवल टू हाँ, क्योंकि 40 से लेकर 60 तक है ना, तो वो आपका साठ, लेवल जी टू सर। ही होगा, ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर है 30। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन हैंडलिंग ऑफ प्लेगरिज्म एज पर यूजीसी रेगुलेशन। ना प्लेगरिज्म को हैंडल करने पर यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना है। देखिए ए में कहा गया कि अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन एग्जामर। एग्जामर का मतलब जो होता है, जैसे एग्जामिनेशन में हमें मतलब हमारी एक तरीके से चीकिंग की जाती है ना,
तो वही है, कह रहे हैं कि एग्जामर के को यानी चेकिंग की बुनियाद पर जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो तरीका मतलब एक तरीके से कार्रवाई कर सकता है, कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग यानी वो कार्रवाई कर सकता है अगर कुछ भी फाइंडिंग करने में जो भी आपकी चेकिंग से रिलेटेड जो भी प्लेगरिज्म में पाया जाएगा उसकी बुनियाद पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो कार्रवाई कर सकता है। सेकंड में कहा गया कि अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट टेक सुओ मोटो नोटिस ऑफ एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म। सुओ मोटो का मतलब क्या, यानी खुद का एक्शन। तो कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है प्लेगरिज्म के ऊपर जो है वो अपना खुद का एक्शन जो है नहीं ले सकता। द डिपार्टमेंट अकेडमिक इंटेग्रिटी पैनल विल बी हेडेड बाई द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटेग्रिटी पैनल जो है वो किसके जरिए हेड होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के जरिए। तो इसमें से क्या सही है क्या गलत है? एसी सर सही होगा हाँ, ये क्योंकि यहाँ ऑप्शन पर डी। ये कैन नॉट हमें हटाना है यहाँ से, ठीक है, मतलब यही वाला सेकंड स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा, बाकी बी को जहां से हटा देंगे तो खुद ब खुद आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 31, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो इसमें कौन सा जो है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की एक टाइप्स नहीं है, तो ये आपकी क्या होगी यहाँ बी पे, सर, बी ऑप्शन ए ड्रग सर, स्टडी ऑप्शन नंबर ए होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शनल ए बोला क्रॉस ना। सेक्शनल। हाँ, ओ तो यस जी सर बाकी तो सर यहाँ पर है सारे इसी के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल, है ना, कौन सा एक विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल है यूज्ड फॉर पब्लिशिंग एंड मैनेजिंग बिब्लियोग्राफी, जिसको मतलब बिब्लियोग्राफी को मैनेज एंड पब्लिश करने के लिए उस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, यानी उस सॉफ्टवेयर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या है यहाँ पे? एंड नोट है सर, एंड नोट है। हाँ, तो ये इंडनोड जो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो बिब्लियोग्राफी को मैनेज एंड पब्लिश करने के लिए यूज किया जा रहा है। टर्निटिन जो है ये प्लेगरिज्म बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और प्रेजी जो है ये आपका जूम की तरह एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक, और जावा जो है वो क्या है, ये एक तरीके की लैंग्वेज है आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर है 33, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर इसके सर्वे। एक सेकंड दिखा दीजिए सर, सर क्वेश्चन 1 सेकंड फिर से दिखा दीजिए। ओके सर, सर नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वे ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एवरी, है ना, तो ये नासो का जो है मतलब सर्वे जो है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे हर साल जो कंडक्ट होता है, मतलब वो कब कंड हर साल कितने साल पे होता है ये पूछ रहे हैं। 5 ईयर्स सर। हाँ, हर 5 ईयर पे जो है ये कंडक्ट करती है, और किस चीज पे करती है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक को, उन चीज को देखने के लिए ये करती है। चलिए, इन द टेक्स्ट ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल इफ अ रेफरेंस इज साइटेड बाय राइटिंग द ऑथर नेम फॉलो बाय द ETAL, है ना, कह रहे कि एक रिसर्च आर्टिकल के टेक्स्ट में अगर मुसन्निफ के नाम को लिखने के बाद ETAL लिखा गया है, तो उस ETAL से जो है कितने ऑथर की जो है रिप्रेजेंटेशन जो है मुराद होती है। अगर हम ETAL लिखते हैं, मान लीजिए हमने कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा और उस रिसर्च आर्टिकल का लिखने वाले बंदे का नाम है, मान लीजिए उसका नाम सादिक ही है, तो उसने सादिक नाम लिखने के बाद ETAL लिख दिया है, ठीक, तो इस ETAL से कितने ऑथर की और नुमाइंदगी हो रही है, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि यानी इस तरीके का रिसर्च आर्टिकल लिखने वाले और भी बहुत सारे मुसन्निफीन है, तो क्या कितने नंबर मुराद होंगे उससे? बी सी डी सर, सी नहीं सी ओ डी, सी नहीं, यहाँ पर होगा सी ओ डी। डी देखिए होगा दो, सर। हाँ दो अगर होगा तो हम दो दोनों तो का लिखते नाम हैं लिख मतलब देंगे। सब, हाँ, दो का दो नाम लिख लिख देते हैं सकते ना, हैं ठीक है सादिक एंड सर, इस तरीके से करके नाम लिख देंगे, एंड आदिल ने अदर। लिखा, ठीक है। बाकी अगर और लिखने वाले, जैसे आप कलीला दिमना एक किताब है ना अरबी में, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने उसको लिखा है, थोड़ा बहुत तसहीह कर करके उस तरीके की किताब को, है ना, तो ये है आपका, ठीक है यानी दो से ज्यादा अगर होंगे तो आप ETAL लिख देते हो, ठीक। तो इसी पे क्लास को एंड करेंगे आज की क्लास को, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते 31। जी हैं। जी सर, ठीक है। ठीक, चलिए ठीक है। ओके।